नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूँ रीवा के फोर्ट रोड में। फोर्ट रोड में जैसा कि आपके आपके स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा, यहाँ की सजावट बता रही है। दोनों तरफ आप अपने स्क्रीन पर नजर डालिए, यहाँ की सजावट खास तौर से बता रही आज यहाँ पर कुछ खास है। वो खास क्या है, मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा। उसके पहले मैं आपको बताता हूँ मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, हजरत मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह अशोक बाबा की मज़ार पे मैं मौजूद हूँ। बाबा यहाँ पर कब से हैं ये शायद कोई नहीं बता सकता। 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल बाबा यहाँ पर मौजूद हैं। उनके चाहने वाले यहाँ पर आते हैं, बाबा से दुआ मांगते हैं, बाबा भी उनको निराश नहीं करते। आज ये उनका उर्स मनाया जा रहा है। उर्स के लिए खास तौर से दिल्ली से कव्वाल को भी बुलाया गया है। आज शाम को कव्वाली होगी। पिछले 2 दिन से लगातार यहाँ पर आयोजन हो जा रहा है। सुबह सवेरे फज्र की नमाज के बाद से यहाँ पर सिलसिला प्रारंभ होता है। उसके बाद लगातार लंगर और तमाम तरीके के जो भी इस्लामिक कल्चर में है उसको यहाँ पर पूरा किया जाता है। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम के आयोजक नन्नू भाई भी हैं। नन्नू भाई, आज क्या है खास? आज यहाँ बाबा का उर्स है, 6 आसवां हो यहाँ हम लोग बड़ा धूमधाम से। और हमारे यहाँ शंकर जी हैं कोतवाली के सामने, जिनको हम लोग बहुत मानते हैं, दोनों समुदाय के लोग मानते हैं। हमारे यहाँ 2 बाबा, एक शंकर जी हैं, एक मुनव्वर बाबा। जो होता है करते हैं। 45वां उर्स मैं अपने जीवनी में, जब से मैं यहाँ उर्स समझने लगा हूँ, जब से मैं 45वां उर्स यहाँ कर रहा हूँ, और बिना चंदे के कोई चंदा 45 साल से लगातार कर रहा हूँ। और उसके मैं वही कर रहा हूँ, 45 साल से लगातार आप बाबा को याद कर रहे हैं जी। खास तौर से साल में एक बार उनका उर्स मनाते जी, हैं जी। रीवा की सिटी कोतवाली के बगल में गोलन शाह की मज़ार है, शंकर जी वहीं पर भी विराजमान है। लगातार ये सिलसिला पता नहीं कब से चल रहा है, राजशाही के समय की बात है। आपको याद करते 45 साल हो गए, क्या आपको लगता है कि बाबा के यहाँ पर आके जो भी बाबा से अपनी मनचाही मुराद की आरजू रखते हैं, बाबा उनको निराश नहीं करते? जी बिल्कुल निराश नहीं करते। और जब मैं आया था, मेरे पास 5 किलो चावल के पैसे थे, और 5 किलो चावल से मैंने यहाँ पुलाव बनवाया और आपको चादर चढ़ाया, और पूरे मोहल्ले में हमने 5 किलो से स्टार्ट किया। उस समय मेरा बहुत लड़कपन था, उस समय से मैं यहाँ पर उर्स कर रहा हूँ, जो आज तक करता ही जा रहा हूँ। मैंने चंदा किसी से भीख मांग के करना इस बार लगातार 45 साल से आप कर रहे हैं जी। हाँ, बाबा ने आपको बहुत कुछ दिया, बहुत, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। आप खुद बता रहे हैं कि 5 किलो से आपने स्टार्ट, आज आपने लाखों रुपए से कार्यक्रम मकान भी बाबा ने हमको दिया। रात में सपन में देखा, सुबह आ गए, एक सोनी जी करके हुआ करते थे शर्मा जी, उन्होंने ये मकान हमको हमारे नाम कर दिया। 500 रुपये में बगल में हमारे बाजू में सिंधी को बेच रहे थे, और मैंने कहा कि आप भी इलाहाबाद के रहने वाले, हम भी इलाहाबाद के रहने वाले, आप हमको दे दीजिए, मैं बाबा का सामान रखूँ। उन्होंने मुझे दे दिया, मेरे नाम कर दिया, और मैं आज यहाँ, और आज बाबा की दुआओं से, खुदा की दुआओं से हमको जो है जो मिला है, हीरा मोती आज जो क्या खास है, आज बताइए आज क्या कर रहे हैं? बड़े धूमधाम से बाबा का उर्स मना रहा हूँ, खुशियाँ मना रहा हूँ। पूरा मेरा पूरा मोहल्ला, हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय सब मिलकर खुशियाँ मना रहे हैं। आज किसको बुलाया आपने? किस कव्वाल को? कव्वाल जान कादरी को मैंने बुलाया है, जो कि बहुत बड़े कव्वाल हैं। और मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी आपकी कव्वाली से असम्बली में गया था तो भावुक हो गए थे, मनमोहन सिंह भावुक हो गए थे, सोनिया गांधी भावुक हो गई थी, पूरी असम्बली उसमें भावुक थी। वो मैं कव्वाल को यहाँ बुलाया, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ। जैसा कि नन्नू भाई साफ तौर से बता रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर 5 किलो राशन से बाबा का उर्स का आगाज किया था आज पिछले 45 साल से लगातार।
मैं एक बार आपके स्क्रीन पर फिर से दिखाना चाहूंगा जो सजावट दोनों तरफ आप अपने स्क्रीन पर देखिए। सजावट ये बताने के लिए पर्याप्त है 5 किलो राशन से जो सिलसिला चालू हुआ था आज किस मुकाम पर आ गया है। आज चांद कादरी एक बड़ा नाम रीवा में मौजूद, उनकी कव्वाली जो अभी तक आप टीवी स्क्रीन पर देखा करते थे, खास तौर से पिछले दिनों उन्होंने संसद में जब उपराष्ट्रपति का अंतिम दिन था, विदाई समारोह था, उस दिन उन्होंने एक कव्वाली गाई थी जिसको सुनकर तमाम देश के बड़े नेता, फिर चाहे वो मोदी रहे हों या सोनिया गांधी, सब के सब भावुक हो गए थे। एक बार मैं फिर से आपको बाबा की मजार पर ले चलूँगा। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये घर जिसको अभी नन्नू भाई बता रहे थे कि केवल 500 रुपये में उन्होंने इसको लिया था और बाबा के नाम इसको वक्त कर दिया। यहाँ पर अशोक बाबा आज भी मौजूद हैं, उनके चाहने वाले इस बात को मानते हैं कि बाबा यहाँ मौजूद है। बाबा की लगातार वो आरजू करते हैं, मिन्नतें करते हैं, यहाँ पर आते हैं, अपने हिसाब से बाबा की चादर पोशी करते हैं, उनकी मज़ार में फूल चढ़ाते हैं और अपनी दोर वक्त की रोजी रोटी, तमाम तरीके की सुख सुविधाएँ, जो भी उनको परेशानी है उसकी पूरी करने की दुआ मांगते हैं। एक बार मैं नन्नू भाई से अंत में और बात करूंगा, रीवा की जनता से आज शाम के लिए आपकी क्या अपील है? आज शाम की अपील है कि लंगर होगा, लंगर बटेगा और लंगर लोग खाएंगे और कव्वाली सुनेंगे। जो बाहर से हमारे मेहमान आ रहे हैं कव्वाल चांद कादरी साहब, उनकी कव्वाली को सुनेंगे। हमारे पूर्व मंत्री राजन शुक्ला, वर्तमान विधायक राजन शुक्ला जी आएंगे। इस मौके पर पूर्व मंत्री स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला भी मौजूद रहेंगे। नन्नू भाई का कहना, मैंने चांद कादरी को भी बुलाया, तमाम इंतज़ाम मुकम्मल हो गए, बस कुछ ही घंटों की बात है, उसके बाद यहां पर का नज़ारा बिल्कुल से बदल जाएगा। ये जो सड़क आपने देखी ये पूरी तरीके से भर जाएगी। यहां पर चांद कादरी को सुनने वाले, बाबा को चाहने वाले मौजूद होंगे, बाबा की मज़ार पे चादर चढ़ाएंगे, उसके बाद कव्वाली का लुत्फ लेंगे। हम वो लम्हा भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही, अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त। ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।